राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं ग्वालियर में ढोली बुआ महाराज का मठ वहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे मठ है, मैं भीतर ले चलूँगा। ये नाथ संप्रदाय का मठ है और इसकी बहुत ही अनूठी कथा है और इसकी प्रसिद्धि भी यहाँ काफ़ी अधिक है। यद्यपि बाहर के लोग नहीं जानते इस मठ के बारे में, लेकिन मैं आपको इस मठ से परिचित कराऊंगा। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा में बने रहें। ढोली बुआ महाराज का मठ ये ग्वालियर में लश्कर का जो क्षेत्र है वहाँ पर है स्थित। और ढोली बुआ महाराज के जो स्वामी थे महीपतिनाथ जी, यहाँ पर उनकी समाधि है। लगभग 200 वर्ष पहले यहीं पर उन्होंने अपने नश्वर देह को त्यागा था और महाराज दौलतराव सिंधिया जी के बहुत आग्रह पर वह ग्वालियर में आकर के ही रहने लगे थे। उधर से आए थे महाराष्ट्र के पैठण से। तो यहाँ पर इस नाथ संप्रदाय के जो स्वामी सब हैं, जो महाराज हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है और यह एक अत्यंत ही सिद्ध स्थल माना जाता है। यह परंपरा अभी समझिए कि पिछली कई शतियों से यहाँ जारी है और वर्तमान में अभी श्री सच्चिदानंद महाराज जी ढोली बुआ यहाँ के महंत हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने ही मुझे ये सारी जानकारियाँ दी। और बड़े विद्वान सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें भी बताई और ये कथा भी सुनाई कि कैसे वो पैठण से यहाँ आए और किस तरह से ये समाधि यहाँ पर उनकी स्थापित हुई है। सामने जो आप देख रहे हैं मठ, वहीं पर उनकी समाधि है, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं। यह एक आप देख सकते हैं कि जैसा आबा महाराज का वो जो मठ था जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, ये उससे मिलता जुलता ही इसका स्वरूप है। इसके भीतरी हिस्से में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर इसका जो ये गलियारा है ये आप देख सकते हैं। इस गलियारे के बाहर भी कुछ एक निर्माण हुए हैं और यहाँ पर निरंतर वर्ष में प्रवचन सत्संग आदि होते रहते हैं। अभी भी दत्तात्रेय जयंती समारोह चल रहा है और उसमें जो है वह प्रवचन वगैरह होता रहता है। उसके बाद फिर जनवरी में भी होने वाला है, तो यहाँ निरंतर जो है ये सत्संग वगैरह का आयोजन होता रहता है। ग्वालियर आने वाले लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि एक बार यहाँ आएँ, चूँकि ग्वालियर में मराठी संस्कृति का एक समय गढ़ हुआ करता था, तो ये सब जो मठ और संप्रदाय बचे हुए हैं उनको देखना एक आह्लादकारी आनंददायक अनुभव है। आप अपनी परंपरा से भी परिचित होते हैं और इन संप्रदायों मठों के बारे में भी जानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं और यह उम्मीद करता हूं, यह आशा करता हूं कि ग्वालियर जो घूमने लोग आएंगे वे ढोली बुआ महाराज के मठ में अवश्य आएंगे। ढोली बुआ के बारे में अंतिम बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्वज जो इनके थे और एक महान संत, उनके चमत्कार से प्रभावित होकर के बीदर का बादशाह जो है नतमस्तक हो गया था और उसने कहा था कि मैं आपको दो ढोल दूंगा, मतलब पुरस्कार के रूप में या अपनी श्रद्धा के रूप में। तो वह ढोल जो है दिया गया और जैसे भगवान शिव का डमरू होता है उसी तरह से प्रतीकात्मक रूप से ढोल इस संप्रदाय से जुड़ गया, इसलिए वह ढोली बुआ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भाव यात्रा अपनी समाप्त करता हूँ और आगे आपको प्राचीन मंदिरों की ओर पुनः ले चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।